तो आज मैं एडिट करने वाला हूँ कि कैसे रियलिस्टिक बैकग्राउंड चेंज करता है। मतलब बैकग्राउंड चेंज करो और किसी को पता भी ना चले, एकदम रियलिस्टिक। तो मैं ऋतिक और आप देख रहे हैं ऋतिक द एडिटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले पीएस टच ओपन कर लीजिए, फिर आप अपना पिक्चर सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं मेरा पिक्चर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये है वो पिक्चर। अब मैं रुको, पहले इसका हेयर ठीक कर लेता हूँ। मैं थोड़ा बहुत बिगड़ी हुई है इसका हेयर। तो अगर आप इसका रियल पिक्चर देखना चाहते हो तो मैं वो वाला भी दिखा दूँगा लास्ट में, वीडियो के एंड में। ठीक है, तो मैं पहले तो इसका बैकग्राउंड क्रॉप करके रखा था पहले से ही आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप लोग बैकग्राउंड इरेज करना नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बैकग्राउंड इरेजिंग का, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ठीक है मैं ये वाला ले लिया, अब बैकग्राउंड को लगाऊंगा। ठीक है, देखो एकदम रियलिस्टिक तरीके से कैसे बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड को मैं ले लेता हूँ अभी। तो अभी बैकग्राउंड की बारी है, तो बैकग्राउंड कहाँ है देखते हैं शायद। हाँ, तो ये वाला, क्यों मैं ये वाला बैकग्राउंड चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो ग्रास है और उस बैकग्राउंड का जो ग्रास है दोनों सेम टाइप का है। ठीक है, तो आपका अगर ऐसा मतलब कि बैकग्राउंड को उसी तरफ से कर लेना कि जैसा यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं ये कर लिया मैंने। मैं तो बैकग्राउंड ढूंढने से मिल गया मुझे ये वाला बैकग्राउंड, इसलिए मुझे ग्रास का कलर चेंज नहीं करना पड़ा। तो मैं अभी लगा देता हूँ बैकग्राउंड को ठीक से, यहाँ पर लगा देता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पर लगा दिया तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, रुको बैकग्राउंड को थोड़ा ऊपर करके देखता हूँ और अच्छा लगेगा। तो हाँ, इतने में सही लग रहा है। तो जो यहाँ पर जो फील नहीं हुआ ये वाला जगह, और जो यहाँ पर है जो फील नहीं हुआ उससे मैं कैसे फील करूँगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ सर जाइए और जो नहीं या नहीं यहाँ पर जो सिलेक्ट का ऑप्शन है तो यहाँ से जाओ। तो मैं ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा जो बैकग्राउंड है उसका सिलेक्ट किया मैंने। तो अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो पेस्ट हो गया, देखो ये वाला पार्ट पेस्ट हो गया। तब मैं इसे बड़ा कर लूँगा थोड़ा सा और मैं यहाँ पर लगा दूँगा। अब इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, ऐसे करके पूरा करना। देखो यहाँ पर लगा दिया, अब मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ से जाकर फेड वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा फेड करूँगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ये पर गया मैं, तो पहले ऊपर की तरफ थोड़ा सा फेड करूँगा। मैं ऊपर की तरफ थोड़ा फेड कर लेता हूँ इसको ताकि पता ना चले कि ये दूसरा कोई बैकग्राउंड है। ठीक है, देखो फेड कर लिया, तो इसके साथ पूरा मर्ज हो गया, ये पता नहीं चल रहा है कि बैकग्राउंड अलग से इरेज किया है। ठीक है, तो फिर मैं और एक यहाँ से ले लूँगा, इसको मर्ज कर देता हूँ। सेम प्रोसीजर से मैं और एक को मतलब कि ऐसे करके फिर से एक बार कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कॉपी, तो फिर से पेस्ट कर लिया। तो अब मैं इसको यहाँ पर लगा दूँगा, यहाँ पर जो बाकी वाला हिस्सा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही मर्ज करेंगे हम जैसे पहले में किया था। ठीक है, फेड ऑप्शन में जाके फेड कर देंगे इसे भी, थोड़ा सा इधर लेके फेड कर देता हूँ। थोड़ा ठीक से करता हूँ, अभी 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 हो गया। ठीक है, लगभग हो गया, हाँ हो गया। देखो अच्छी तरीके से एकदम फेड हो गया। तो इसको मैं डुप्लीकेट करने की वजह से यहाँ पर देखो थोड़ा सा रह गया अभी भी। ठीक है, तो इसको मैं कलर से फिल कर देता हूँ। देखो और एक तरीका दिखाता हूँ मैं आप लोगों को,
तो है गया ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा लेयर लिया जो एम्प्टी लेयर बोलते हैं जिसे, उस एम्प्टी लेयर को लिया और अभी मैं इसको कलर फिल करूँगा। तो ग्रास में गया मैं और जो ग्रास का कलर है यहाँ पर देखो, ये जो ग्रास का कलर है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, अभी थोड़ा ब्रश को बढ़ा लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ठीक है। देखो ड्रॉ कर लिया, तो अभी मैं इसको ब्लर कर दूँगा थोड़ा सा। देखो ब्लर करने से पता नहीं चलता है, देखो ब्लर कर दिया और एकदम अच्छी तरीके से हो गया वो अभी ठीक है। तो अब मैं इसको मर्ज डाउन कर देता हूँ। अब देखो बैकग्राउंड तो इसके साथ मैचिंग हो गया पूरा, एकदम पूरा मैचिंग हो गया ठीक है। तो अब मैं बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लर इफेक्ट देता हूँ जिससे वो लगे एकदम प्रोफेशनल ठीक है। थोड़ा सा ब्लर, ज़्यादा नहीं, जस्ट हल्का सा, ताकि वो मैच कर जाए अच्छे से। देखो ये वाला ठीक है, 5.5 मैंने रखा तो एकदम अच्छे से हो गया, लग रहा है एकदम प्रोफेशनल एडिट ठीक है, हो गया। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो बस यहाँ पर इतना ही, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं यहाँ से। तो यहाँ से सेव कर लेता हूँ मैं, फिर लाइट रूम में जाता हूँ और दिखाता हूँ कलर कैसे करें इसको। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, पहले इसको रिसाइज कर लेता हूँ। रिसाइज करने से इसका क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो क्वालिटी ज़्यादा हो तो पिक्चर अच्छा होगा, पता ही है आप लोगों को। तो सेव कर लिया मैंने इसको ठीक है। तो मैं लाइट रूम में आ गया हूँ ठीक है। वो वाला पिक्चर भी मैंने ले लिया पहले से, तो ये रहा वो पिक्चर, देख लीजिए आप लोग को भी, वही वो वाला पिक्चर ही है ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा कलर ग्रेडिंग करूँगा इसको, थोड़ा सा कलर ठीक ठाक कर लेता हूँ पहले इसका शैडो। अब अपने हिसाब से करना है कलर को ठीक है। मैं पिक्चर में जैसा अच्छा लगेगा मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ इसको। आपका पिक्चर ज़्यादा बेस्ट लग रहा है ठीक है, तो मैं, मुझे इसमें बेस्ट लग रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब मिक्स टूल में जाकर इस कलर को पेस्ट करते हैं। देखो वाइट कर दे रहा हूँ, लुक एकदम अच्छा लग रहा है। देखो एकदम बैकग्राउंड के साथ मैचिंग भी हो गया और कलर भी एकदम प्रोफेशनल एडिट जैसा लग रहा है, लग रहा है कि प्रोफेशनल तरीके। और बैकग्राउंड को ऐसे चेंज किया कि पता भी नहीं लग रहा है कि मैंने बैकग्राउंड को चेंज किया ठीक है। तो देखो पता चल रहा है कि बैकग्राउंड चेंज किया, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है ठीक है। तो फेस अभी भी थोड़ा डार्क है एक साइड, तो मैं उसे ठीक करता हूँ। तो आप यहाँ पर जाओ, ऐसे करके लो ठीक है, थोड़ा सा कलर करके, इधर नहीं थोड़ा सा इधर करके, इधर दे देता हूँ। देखो तो अच्छा लगेगा। अब ठीक है, क्योंकि लाइट इधर से पड़ रहा है तो फेस का एक साइड तो शेडो हो गया ना। तो फिर भी मैं थोड़ा सा ब्राइट कर दिया ताकि फेस को दिखने में अच्छा लगे। तो देख लिया आपने मैंने कैसे यहाँ से किया एडिट। तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको टेक्सचर इसका दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे ठीक है। अब देखो पूरी तरह से एकदम पूरी तरीके से बैकग्राउंड चेंज भी हो गया और हमारा कलर भी हो गया ठीक है, एकदम प्रोफेशनली एडिट हो गया। तो मैं इसका जो पहले वाला पिक्चर है, मैं वो वाला पिक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा था और कैसा बना ठीक है। तो मैं जाता हूँ मेरे गैलरी में और मैं दिखाता हूँ। तो मैं आ गया मेरा गैलरी में ठीक है। तो मैं इसका जो ओरिजिनल पिक्चर है पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ठीक है। ये रहा वो ओरिजिनल पिक्चर, ये देखो एकदम ओरिजिनल, जो ओरिजिनल वाला है ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं जिस पिक्चर को अभी एडिट किया आप लोगों के सामने, वो वाला पिक्चर दिखाता हूँ। वो वाला ये है, देखो देखो एडिट, देखो एकदम HD तरीके से एडिट भी हो गया ठीक है। अरे भाई देख लिया, एकदम एडिट किया और पता भी नहीं चल रहा है कि मैं बैकग्राउंड इसका चेंज किया हूँ ठीक है।
तो आप लोग किसी तरीके से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ भी पार्ट आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए वीडियो को अब तक ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।